चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व सफलता के साथ भारत का नाम विश्व में इस तरह की कोशिश के लिए दर्ज हो गई है। पूरे विश्व में इसे लेकर चर्चा हो रही है। आप लोगों को जागरूक करने कोरबा के राइडिंग ग्रुप ने चंद्रयान 3 मॉडल तैयार किया है। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश सीमा तक इसका प्रदर्शन करने के दौरान सदस्यों को खास अनुभव हुआ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों के द्वारा पिछले दिनों चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 की सफलतम लैंडिंग हुई। टेक्निकल डिवाइस के माध्यम से चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई गतिविधियों का अध्ययन करने के साथ नई जानकारी दी। इससे प्रेरित होकर कोरबा के राइडिंग ग्रुप ने चंद्रयान का मॉडल बनाया। इसकी तस्वीर ने हर किसी का ध्यान खींचा। अमरिंदर सिंह ने बताया कि जन जागरूकता के आधार पर हमने इस काम को किया। राइडिंग ग्रुप के एक और सदस्य आलोक दिवाते ने बताया कि चंद्रयान के मॉडल को लेकर 250 किलोमीटर की यात्रा की गई। इस दौरान लोगों में दिलचस्पी देखी गई। एमपी सीमा के चिल्फी तक हमने यात्रा की। हमारा उद्देश्य था, देखो हम तो राइडर हैं, हम राइड करते हैं। हमारा उद्देश्य यही था कि जो हमारी जो चंद्रयान 3 की जो सफलता है उसको हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे देश क्या है और हमारे देश की सफलता क्या है, ताकि नहीं भी जानते हैं उनको भी चीज़ का पता लगे कि एक्चुअल हमारे लिए देश के लिए कितनी सफलता का हम लोग की। यहाँ से कोरबा से हम लोग चिल्पी रेंज, चिल्पी घाटी जो है वहाँ गए थे। कोरबा से बोरम देव, चिल्पी घाटी, पीड़ा घाट वॉच टावर और रानीधरा वाटरफॉल, यहाँ पे हम गए थे। यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पे वो जगह है और वहाँ पे हम गवर्नमेंट का रिजॉर्ट है, एथेनिक जोहर रिजॉर्ट, वहाँ पे हम रुके थे रात को और दूसरे दिन वापस आए। हमारा उद्देश्य जो है चंद्रयान बनाने का उद्देश्य ये है कि चंद्रयान जो है हमारे देश की सफलता को दिखाता है। उस सफलता को हम देश के सामने, देश को दिखाए कि हम हमारे देश जो है तरक्की कर रहा है और चंद्रयान जो है हम ऑल ओवर आगे चल के हम और भी बहुत सारी चीज़ें लेके जाएंगे। अभी चंद्रयान जो था हमने इनिशियल चालू किया है और ये देश का अच्छा प्रतीक है कि हम देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उसका हम लेक मॉडल लेके गए थे। राइडिंग ग्रुप का कहना है कि चंद्रयान 3 की सफलता भारत सरकार के प्रयासों से ही हो सकी है। छत्तीसगढ़ के शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी माना है कि यह सफलता भविष्य का अच्छा संकेत है। कोरबा से मनोज यादव के साथ पवन तिवारी की रिपोर्ट।